नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त कपिल कुमार भार्गव हाजिर है आपकी लीगल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और एक फिर से अति महत्वपूर्ण विषय पर आपको जानकारी देने के लिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब विवाह होता है तो विवाह के बाद कई प्रकार की परिस्थितियां सामने आती हैं। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा बीत रहा हो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते कुछ हैं और हो कुछ और जाता है। तो दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, उसकी मैट्रिमोनियल लाइफ गड़बड़ा जाती है, उसके पीछे के कई रीजन होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अक्सर होता है कि एक जिन निकल के आता है जिसे हम कहते हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट वैवाहिक विवाद, और जब इस सिचुएशंस में केसेस होते हैं, दहेज उत्पीड़न का केस विवाहित महिला अपने पति और परिवार वालों के खिलाफ लिखा देती है, जाके अपने मायके में रहने लगती है और मायके वालों की सलाह पर वो एक मुकदमा फाइल करती है, भरण पोषण का वाद, मेंटेनेंस का सूट। वो मेंटेनेंस का सूट अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत वो अपने पति या अपने पति के सगे नातेदारों के खिलाफ कर सकती है, करती है। ऐसी सिचुएशन में क्या वो जिस प्रकार के भरण पोषण की मांग करती है हमें उसे दे देना चाहिए? हमारे पास कोई विधिक रेमेडी या विधिक उपचार है या नहीं है? दोस्तों, इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी उतनी कमाई नहीं है कि वो उतना पैसा दे पाए, क्योंकि जैसा कि वकील की सलाह पर, परिचितों के समझाने पर जब ये मेंटेनेंस का मुकदमा किया जाता है, भरण पोषण का वाद किया जाता है, तो उसमें बहुत ज्यादा हाई अमाउंट दिखाती है लेडी या उनके वकील जो भी होता है, और उसमें बताती हैं कि अरे भाई, मैं तो बहुत पीड़ित हूँ, बहुत दरिद्र हूँ, मेरे पास खाने को पैसा नहीं है और मैं अपने बूढ़े बाप पर आश्रित हूँ, तो मुझे कोर्ट मेरे पति को आदेश दे कि वो मुझे अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट भरण पोषण के रूप में दे, जो मुझे प्रतिमाह मिले। ऐसी सिचुएशंस में दोस्तों, हम जानते हैं बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं हस्बैंड लोगों को, उनको, उनकी फैमिली को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। ऐसी सिचुएशंस में आपके पास ये रेमेडी है कि आप ऐसे केसेस को चैलेंज कर सकते हैं, रिवीजन, क्रिमिनल रिवीजन सेशन कोर्ट में फाइल करके, या फिर डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल करके। देखिए दोस्तों, जो ये सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस यानी भरण पोषण का वाद है, इसमें महिला अपने पति से ये मांग करती है, याचिका में बहुत सी बातें वो डालती है, भाई हमारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इस प्रकार हुए, वो इस तरह नहीं निभाते, वो शराब पी के मारते हैं, वो खाने को नहीं देते हैं, वो पैसा नहीं देते, वो खर्चा नहीं देते, तमाम तरीके के आरोप लगाएंगे, आपका फला औरत से संबंध है, दुनिया जहान के जो भी उनको बातें बता दी जाती हैं वो सारी वो उल जुलूल झूठ आपके खिलाफ लिखा देंगे याचिका में। उससे परेशान होने की जरूरत नहीं, वो सब कानूनी प्रक्रिया है, वो अपने अनुसार चलेगी। मेन मुद्दा है कि क्या जो भरण पोषण की मांग वो कर रही है वो हमें उन्हें दे देना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है, अगर वो सही में कुछ भी काम नहीं करती तो हो सकता है आपके अंदर अगर इस तरीके की जरूरत या इंसानियत है तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर महिला झूठी है और उसने झूठ की परिकाष्ठा को पार करते हुए आपके खिलाफ मेंटेनेंस का मुकदमा लिखाया है,
वेल एजुकेटेड लेडी है एंड शी इज अर्निंग हैंडसम अमाउंट और शी कैन अर्न हैंडसम अमाउंट थ्रू हर एजुकेशन, वेल एजुकेटेड लेडी की बात कर रहा हूं दोस्तों, और उसने आपके खिलाफ 125 सीआरपीसी अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का झूठा मुकदमा लिखा दिया है, और उसमें ये कहती है कि भाई मुझे कुछ काम नहीं आता, मैं कुछ नहीं कमा सकती, मैं एकदम बेकार हूं और मुझे पैसा चाहिए, बच्चा भी है छोटा, उसे भी पालना है, उसके भी खर्चे चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आपको उसे पैसा देने की आवश्यकता है या नहीं, ये तो आप स्वयं डिसाइड करेंगे, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस पर आपको एक विधिक उपचार ये है कि या तो आप अपने वकील के माध्यम से उस केस में अपीयर हुए और अपना रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करें, और जो भी सबूत आपके पास हैं इस बात के कि भाई वो पढ़ी लिखी हैं, कमा रही हैं, नौकरी कर रही हैं, अगर आप इस बात का भी सबूत दे सकते हैं तो वहां लगाइए और उस मुकदमे को वहां से समाप्त करा दीजिए, या उनको मेंटेनेंस ना वो प्राप्त कर पाए, इस प्रकार का डॉक्यूमेंट अगर आप लगाते हो तो वो आदेश कोर्ट कर देगी, उनको नहीं मिलेगा मेंटेनेंस। लेकिन अगर आपको इस मुकदमे को जानकारी ना हो पाए और कोर्ट एक्सपार्टी ऑर्डर कर दे, तब आप क्या करेंगे? तब आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन फाइल करेंगे और उस मेंटेनेंस के मुकदमे को चैलेंज करेंगे और कोर्ट के सामने ये बताएंगे, खासतौर से हाई कोर्ट के सामने, कि साहब ये देखिए, ये लेडी वेल एजुकेटेड है, और जो लेडी वेल एजुकेटेड है, खुद कमा रही है, खुद अपने पैरों पर खड़ी है, इंडिपेंडेंट है, उसे मेंटेनेंस पाने का अधिकार नहीं है दोस्तों। शी हैज नो राइट टू गेट एनी मेंटेनेंस अमाउंट फ्रॉम हर हस्बैंड इफ शी इज अ वेल एजुकेटेड एंड शी इज अर्निंग अ हैंडसम अमाउंट। ये दोनों शर्तें होनी चाहिए। हो सकता है पढ़ी लिखी हो, डिग्री हो, लेकिन काम धाम ना हो उनके पास, तो ये सिचुएशंस अलग हैं। लेकिन अगर उन्होंने झूठ बोला है और वो काम कर रही हैं, कुछ पैसा पा रही हैं और पढ़ी लिखी भी हैं, तो झूठे कंटेंट्स के बेस पर मेंटेनेंस पाने का अधिकार नहीं है दोस्तों। ऐसे झूठ को खोलना जरूरी है, उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप क्रिमिनल रिवीजन फाइल कर सकते हैं, उसे चैलेंज कर सकते हैं, और इस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ढेरों जजमेंट हैं। मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको उन जजमेंट्स के विषय में भी जानकारी दूंगा। देखिए, मेरे वीडियोस का जो उद्देश्य है वो है व्यक्ति की लीगल अवेयरनेस बढ़ाना। अगर मैं आपको बहुत ज्यादा गहरी जानकारी कानून की देना भी चाहूं तो हो सकता है आपके मस्तिष्क में उतनी बात रुके नहीं, क्योंकि जो ज्ञान होता है उसे धीरे धीरे प्राप्त करेंगे तो यहां बढ़ता जाएगा, एकदम से ढेर सारा प्राप्त करेंगे तो बढ़ेगा नहीं, खिचड़ी हो जाएगा। तो इसलिए आगे वीडियो बनाऊंगा इस मुद्दे पर, तो आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर लेडी कमाऊ है और खुद अपने पैरों पर खड़ी है तो उसे मेंटेनेंस पाने का हक नहीं है, या झूठ बोला है और गलत तथ्य प्रस्तुत किए तो भी मेंटेनेंस पाने का हक नहीं है। तो दोस्तों, ये मैंने आपकी अवेयरनेस बढ़ाई कि अगर विवाहित महिला गलत तरीके से आपके खिलाफ मेंटेनेंस का मुकदमा लिखा देती है और उसमें गलत तथ्य देती है तो आपको उसे मेंटेनेंस का अमाउंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप उसे चैलेंज कर सकते हैं ऊपरी अदालत में क्रिमिनल रिवीजन के माध्यम से। और भी कई प्रकार के तरीके हैं जिन्हें हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जो कोई भी मेरे वीडियो के संबंध में या किसी लीगल अवेयरनेस के संबंध में अगर कोई जानकारी पाना चाहता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर